छठ पूजा पर्व को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव ने आज सई तट व शहर स्थित राजघाट तट की जमीनी हकीकत देखने पहुंची। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी समेत पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो चार दिन के इस पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई हैं, जिसकी जमीनी हकीकत देखने नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव व नगर पालिका के ईओ समेत अन्य आला अधिकारी पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ खामियां को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करने की बात भी कही। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव ने उन्हीं की जुबानी। किस प्रकार के आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और रायबरेली जनपद में किसी प्रकार की दिक्कतें न हो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? रायबरेली में 4-5 घाटों पे छठ पूजन होता है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था को आज मैंने निरीक्षण किया गया है और इसी में साफ सफाई रहे, व्यवस्था रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। आप सभी जानते हैं छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें महिलाएं पूरा 2-3 दिन व्रत रहती हैं और सूर्य को देखकर अर्घ देती हैं और इसकी किसी को कोई कष्ट ना हो यहाँ पर आके जल में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। बहुत ही प्यारा त्यौहार है, आप सब जानते हैं कि इसमें जो है साफ़ सफाई व्यवस्था हम लोग बेहतर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से शुरुआत हो गई है,